है पी? मन नहीं है जी। क्यों मन नहीं? खाना पीना छोड़ देने से सब ठीक हो जाना है। देख सौम्य, पति और पत्नी के बीच ऐसे छोटे मोटे उतार चढ़ाव होते रहते हैं। बड़ा मुझे समझाया करती थी, अब खुद की बारी आई तो देखो। क्या समझूं मैं मम्मी जी, माँ के जाने के बाद एक हरमन जी ही थे जिन्होंने मेरा अस्तित्व अपनाया, मेरी पहचान के लिए पूरे समाज से लड़ते रहे। आज उन्होंने ही मेरे साथ, अब तो किसी भी चीज की हिम्मत नहीं रही है ना समझने की और ना ही जिंदगी जीने की। जब जिंदगी में इतने सारे सवाल सताने लगे ना और कोई जवाब ना मिले तो एक ही चीज करनी चाहिए, और इस बात पर यकीन रख कि तेरी नीयत साफ थी, तूने किसी का बुरा नहीं चाहा था और तेरा प्यार सच्चा है तो जीत तेरी ही होगी, क्योंकि सच्चा प्यार कभी नहीं हारता। अब चाय पी ले, चल 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 जल्दी पी पी और बता कि कैसी बनी। मीठी, कड़क और एकदम मस्त चाय बनी है, क्योंकि जब सास की बनाई हुई चाय में माँ की ममता का टच आ जाए तो चाय तो अच्छी बनेगी ही ना। आपकी एक मदद चाहिए थी। हाँ बोल ना। आप जरा वरुण भैया से बात कीजिए ना प्लीज। इन दोनों के बीच में जो भी गलतफहमी है शायद उसमें आप कुछ मदद कर पाए। दी, आप मेरी टेंशन मत लो, अपना ध्यान रखो, वरुण को मैं देख लूंगी। छोटी मम्मी जी, आप बात करेंगे तो वो आपकी बात सुनेंगे। एक बार वरुण, वरुण बैठे आ। जी मम्मी जी, कहिए। अपना सामान बांध और सुरभि के साथ घर जाओ। लेकिन मामी जी, आप कुछ जानती नहीं है। मैं जानना भी नहीं चाहती। ये तुम दोनों के आपस का मामला है, आपस में सुलझो। जा सामान बांध। एक मिनट प्रीता। ये जो ज्ञान दूसरे को बांटनी है, आपने भी क्यों नहीं अमल करती है? जब मामला हरमन का और स्किनर का होता है, टांग अड़ानी है, चौधरी बन जानी है, तो ये भी पति पत्नी है ना, निपटारा करेगा अपनी पत्नी के साथ? हट दे अनुकला, नहीं कह रहे हैं। जब बच्चों की आपस की बात हद से ज्यादा बढ़ जाए तो बड़ों को तो बीच में पड़ना ही पड़ता है ना। अच्छा ये बात है, ठीक है, आप अपने हिसाब से कीजिए, हम अपने हिसाब से करते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपके बीच में पड़ने से हरमन और उस किन्नर के ये मामला सुलझ जाएगा, तो हमें भी ये लगता है कि इन दोनों के बीच में मेरे पड़ने से ये मामला सुलझ जाएगा। आप लोग प्लीज मेरे लिए मत लड़िए, मुझे चलना चाहिए। नहीं, मैं चलती हूँ, मुझे ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा है। सुरभि, एक काम कर, ऑफिस के बाद ना अपना सारा सामान लेकर तू यहीं आ जा, यहीं रहना अब तो। ये भी तो तेरा ही ससुराल है ना, वैसे भी हरक जी चाहते हैं कि वो तेरे और वरुण की जो आपस की बात है उसको वो सुलझा सकते हैं, तो वो भी तो यही चाहेंगे ना कि तू यहीं रहे। तो तू अपना सामान लेकर यहीं आ जा, अब से तू यहीं रहेगी। चल गई चाल ये प्रीतो, अगर ये वरुण की पत्नी इस घर में आ गई तो ये हरमन का दिमाग चाट चाट के बना बनाया खेल ना बिगाड़ दे। हाँ बिल्कुल सही है प्रीत ने, बिल्कुल बाहर तकते हुए आस पास के कुछ लोगों को ले आना, बाहर मेरी तख्ती निकाल के ना उधर बॉर्डर लगा दें। हरक सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट, ये हरक सिंह का घर है, धर्मशाला नहीं ही, कि कोई मुंह उठाया थे चला आएगा। चलो वरुण अपनी पत्नी लेके जा, पैकेजिंग पैकेजिंग ले जा अपने साथ, ले जा अपने साथ। लेकिन मामा जी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तेरी छाती पे कोई मूंग दलेगा, तुझे कोई परेशान करेगा? ये टेलीफोन क्यों बनाया है? एक फोन कॉल, हरक सिंह हाजिर 24/7 सर्विस, ठीक है ना?
बातें बनाना सीख गए, लेकिन ये कैसे भूल गए कि ये बातें भी तो आपने अपनी बीवी से ही सीखी है, है ना? सतनाम श्री वाहेगुरु। तो वरुण, अब तो तेरे मामा जी ने भी कह दिया, अब तो तुझे जाना ही होगा, है ना? बांध ले सामान। और अगर तूने भूल कर भी सुरभि के साथ मारपीट की तो तू तो अपनी मामी को जानता ही है ना? अरे सर, क्या कर लिया आपने? कितना ब्लड निकल रहा है? लाइए दीजिए सर, मैं पट्टी कर देता हूँ। मैनेजर गिरी करने के पैसे मिलते हैं ना, ये सामान उठाओ और निकले यहाँ से, और फैक्ट्री के प्रोडक्शन मैनेजर को अंदर भेजो। सर आपने बुलाया? एक महीने में तुम लोग 5,000 खिलौने नहीं बना पाए। तुम्हारे बाप की फैक्ट्री है ये, यहां बैठने के पैसे मिलते हैं तुम्हें। आज जब तक 5,000 खिलौने नहीं बनेंगे तब तक कोई घर नहीं जाएगा। सॉरी सर, सॉरी। गुस्सा ठंडा नहीं होया? बेल, ये माँ के हाथ का बना हुआ स्पेशल खाना जिसमें माँ की ममता के साथ माँ का प्यार भी छुपा हुआ है। वो कहते ना कि बाप जब अपने पुत्र को अपने हाथ से कभी कभार खाना खिलाए वो एक माँ का रोल भी प्ले करता है। वो की कहते कितनी बार मैंने आपको कहा है कि हरक सिंह बनने की कोशिश ना करें, उनकी नु मारे रस्ते च नहीं, बाहर नेम प्लेट उखाड़ रहा था। अच्छा, सारा तोड़ा ही तो है, एक निवाला था वो तेरा जख्म उन्हें ताकत आ जाएगी, ठीक हो जाएगा। ए यार, एक गल दसा, जवान आदमी यार तेनू ऐसे सूट नहीं कर रहा। नचो कुदो ऐश कर जाके, जिले खेडेगा जाके, आबो हवा बदलेगी ते फ्रेश हो जाएगा, दिमाग फ्रेश रहेगा ते तेनू। दीदी यकीन नहीं होता, वही हरमन जी है, कैसे बेइज्जती करके निकाला हमें। हरमन हमारी कितनी भी बेइज्जती करके अपनी जिंदगी से निकाल दे हमें, लेकिन वो नियति को नहीं बदल सकता। और नियति यही है कि सौम्या उसकी बीवी है और बीवी ही रहेगी। आज उसने हम सब के सामने सौम्या को तराना बना दिया। हम भी कसम खाते हैं कि हमें सौम्या को तराना से सौम्या बनाने के लिए कुछ भी करना पड़ा तो हम करेंगे, लेकिन सौम्या को तराना से सौम्या बनाकर रहेंगे। और ये हमारे घर से ही शुरू होगा, यहीं से हम ये मानेंगे कि सौम्या तराना नहीं सिर्फ सौम्या है। भूल कर भी उसे कोई तराना कहकर नहीं बुलाएगा, और गलती से भी ये शब्द किसी की जुबान पर नहीं आएगा। हाँ दीदी, अगर हरमन जी की जिद है तो फिर हमारी भी जिद है कि वो तराना नहीं सौम्या है। हाँ, वो सौम्या है। सानू हरमन तो आए हैं आप यहां, आपकी तराना ना मेरे पास है और ना ही मेरी जिंदगी में।
चाहिए। पुत्र, मैं सोमू पुत्र को नहीं ढूंढने आई, मैं तो अपनी सफाई देना आई सी। पुत्र, एक बारी मेरी गल तो सुन ले। किसी सफाई की जरूरत नहीं है मुझे, और दोबारा यहाँ मत आइएगा। जाइए। पुत्र, तू बड़े गुस्से में है, जेकर तू ठंडे दिमाग से सोचेगा ना पुत्र, तो तुझे इस बात का एहसास हो जाएगा कि तू ना मुझे 1.5 साल बाद आपकी बेटी ने एहसास दिलाया, वो काफी है मेरे लिए। मैं भूल गया, पागल था मैं, एक किन्नर को बीवी बनाने चला था। तू मेरी बात समझने की कोशिश तो कर, समझ तो सही पुत्र तू। अरे सिंह, समझा दो इन्हें, बार बार यहाँ आने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं सुनना मुझे, इनकी बेटी से मेरा कोई लेना देना नहीं, ये जा सकती है। हरमन, एक मिनट, उधर ही रुक जा। बहुत पैसे दवांगा, ये पैसे मैं तेनों इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि उस किन्नर को बोल जाके कि मेरे बेटे से अलग हो जाओ, तो मेरा बेटा तो तेरी वो किन्नर से पहले नफरत करना शुरू कर दिया है। पैसा इसलिए दे रहा हूँ कि तू, जो तेरा मलिंदर, ये जो तू अपनी नाटक कंपनी शुरू की हुई ना हरक सिंह के घर के अंदर, ये अपनी नाटक कंपनी तो चुप के कि होर ले जा। टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाए। जा। एक रुपया बड़ा शुभ होता हरक सिंह, ये एक रुपया मैं अपने पुत्र की खुशियां दे उत्ते वार के तेरे इस पैसे दे ऊपर रख दिया। मैं आज तक अपने पुत्र नु कदे किन्नर नहीं किया, पर आज ओदी ए नानी तेनु एक गल कहती है, एक दिन मेरी ओ है किन्नर पुत्र दी जेड़िया खुशियां, जिहड़ा उहदा प्यार है ना, वह तुहाडी नफरत ते भारी पाएगा। याद रखी मेरी गल। सतनाम श्री वाहेगुरु। नानी, हरमन मामा आपके बेटे हैं ना, वो आपकी बात नहीं सुन रहे, तो आप उनको एक थप्पड़ मार दो ना, जैसे कि मेरी मम्मी मारती मुझे। अरे इसे क्या हुआ, इसका फूल जैसा चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? क्या हुआ बहू? ताई जी, मेरे हरमन मामा गुस्से में, इसलिए मेरी मामी परेशान है। रब ने फुर्सत से कितनी मेहनत से इतना सुंदर चेहरा बनाया है तेरा, ऐसे उदास रहेगी तो रब ने नाराज हो जाना है। एक्सपीरियंस, हाँ मैं तेनू एक एक्सपीरियंस की गल दस रही हूँ, ये मर्द जात होती ही ऐसी है, बात बात पे अपनी औरत पे गुस्सा हो जाए, लेकिन पुत्र रब ने हम औरतों को कितने नाज नखरे दिए हैं, जिससे रूठे हुए पतियों को चुटकियों में मनाया जा सकता है, समझ गई ना? अब हंसते ना गुड़िया, ये हुई ना बात, ऐसे खुश रह। और सुन, कभी मन ठीक ना हो तो अपनी ताई के घर आ जाना, मैं हंसा दूंगी तुझे, ठीक है? अब मैं चलती हूँ, और साग चखे बताना कैसा बना है, ठीक है? सत श्री अकाल। ठीक है पीतू। मेरे साथ था। कहाँ जी? चल। सुरभि पुत्र, ये लो, मिल गई खुशी अब तुम्हें, भर गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक, हो गया तुम्हारा मिशन सक्सेसफुल। बधाइयो, मेरी औकात याद दिलाना चाहती थी ना, दिला दी, यही जताना चाहती थी ना कि ना मेरे पास काम है ना रहने को घर है, इसलिए तो ले ही मुझे यहाँ पे। लेकिन हाँ सुरभि सिंह, ये सब करने से ना
सच नहीं बदल जाएगा। और सच ये है कि ये बच्चा किसी और का है। और तुम एक करेक्टरलेस लड़की हो। बस खबरदार जो मेरी सुरभी के खिलाफ एक शब्द भी बोला। क्या हुआ पापा जी, सच हजम नहीं हो पा रहा क्या? अरे नानी जी, जरा पापा जी के लिए हाजमे वाली गोली तो लेकर आओ, सच हजम करने में आसानी हो। हरामखोर, मैं तेरा मुंह नोचूंगा। ओ पापा जी, जरा हाथ तो लगा के दिखाओ। ये तो बिल्कुल पागल हो गया, क्या कर रहा है तू? छोड़े हैं तुझसे बस। और तुम किस बात की अकड़ है तुम में? हाँ, बच्चे का डीएनए टेस्ट तो हो जाने दो, फिर देखती हूँ अकड़ कहाँ जाती है तुम्हारी। क्या पागल हो? जब तक डीएनए टेस्ट नहीं हो जाता ना, इस घर में इस बारे में कोई बात नहीं होगी, समझे तुम? पापा आप दूर रहिए इससे, नहीं बात करनी मत कीजिए, दूर रहिए इससे। और तुम कैरेक्टर लेस लगती हो ना तुम्हें, तो ठीक है, जब तक ये चीज क्लियर नहीं हो जाती ना, तब तक इसी घर में एक ही छत के नीचे रहेंगे दोनों। लेकिन ना तुम मेरे लिए पति होगी और ना मैं तुम्हारी पत्नी, समझे? सोच के जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, सब कुछ पहले जैसा ही है, ठीक है, और वैसे ही रहे। मम्मी जी, अभी जब हरमन जी आएंगे तो मुझसे वो गुस्सा रहेंगे, चिल्लाएंगे। क्यों चिल्लाएगा? नहीं करेगा गुस्सा, नहीं होगा नाराज। तू बीवी है उसकी, बस बीवी की तरह अच्छे से रहे। और सुन, हरमन जब गुस्से में होता है तो घर देर से आता है, लेट आएगा तो खाना खिलाने वाला कोई और होगा नहीं, तू उसे खाना खिला, ठीक है? उसी बहाने थोड़ी सी बातचीत कर लेना और सब कुछ सुलझा देना, वो समझ जाएगा। वैसे एक एक्सपीरियंस वाली बात मैं भी बताऊं, मैंने कई बार हरक सिंह को ऐसे ही मनाया। पर मम्मी जी, इतना कुछ हो गया है, पता नहीं वो मानेंगे भी या नहीं। मानेगा नहीं तो कहाँ जाएगा, मानना तो पड़ेगा उसे। चल उसके लिए कुछ अच्छा सा बना देते, उसकी पसंद का। हाँ, सादा मत सोच, कई बार सोच सोच कर हम छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देते, सोच मत। क्या बात है सुमित, इतनी रात को 5 बार कॉल कर चुके हो, क्या कहना है तुम्हें ऐसा? I'm sorry यार, अगर दिन में फोन करता तो वरुण तुम्हारे साथ होता है और वो फिर से शक करता, इसीलिए रात को फोन किया। सुरभि, मुझे इतना जानना था कि तुम्हारे और वरुण के बीच में सब ठीक है ना? सुमित, मुझे किसी को कोई सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, समझे ना? वरुण को जब समझना होगा ना, वो समझ जाएगा। अच्छा ठीक है, बाकी की बातें मैं कल ऑफिस में आके करती हूँ। गुड नाइट, और आइंदा से ध्यान रहे, इस टाइम पर कॉल नहीं करोगे तुम। ठीक है, बाय। वाह, मतलब दिन भर ऑफिस में साथ रहने के बाद भी मन नहीं भरता कि रात को फोन पर बातें होने लगी। तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है ना सुरभि, पैरों की जुत्ती नहीं होने वाला है वरुण से। एक बार ये प्रूव हो जाए कि बच्चा मेरा नहीं है, फिर देख लूंगा तुम्हें भी और सुमित को भी। तो चाची रावी, कोई खाना देगा या कहीं बाहर जाके खाना पड़ेगा? पत्नी के होते हुए
आप बाहर जाकर क्यों खाएंगे और किसी और के हाथ का बना हुआ क्यों खाएंगे जी? ये मैं परोस देती हूँ ना जी, वो अब मैं हूं तो आपको बाहर जाकर खाने की जरूरत नहीं है जी। और ये ना वो पड़ोस वाली ताई जी है ना, उन्होंने आपके लिए सरसों का साग बनाकर भेजा है, कहा है कि वो उनके हाथ का आपको बहुत पसंद है। मम्मी जी कह रही थी कि पति पत्नी के बीच में जो भी परेशानियां या मुसीबतें हो वो जल्द से जल्द सुलझा लेनी चाहिए, वरना जितना उनके बारे में सोचो उतना मुसीबतें बढ़ती ही जाती हैं। तो आप ज्यादा सोचिए मत। मेरे दोस्त भी यही कहते हैं, ज्यादा सोचने से मुसीबत बढ़ जाती है। हाँ जी, अब तो हम ना मुसीबतों के बारे में सोचना छोड़ देते हैं जी। ये देखिए ना, खाना ठंडा हो रहा है, मैं खिला देती हूँ जी आपको। ये वो ताई जी का साग, सबसे पहले ये खाकर देखिए ना। बाहर आ जाओ, भ्रम से बाहर निकल जाओ। तुम एक किन्नर हो, यही तुम्हारी असलियत है, और ताली बजाना तुम्हारी किस्मत। मैं भी जी रहा था भ्रम में, था मैं इस भ्रम में कि एक किन्नर से प्यार किया जा सकता है, पर वो मेरा भ्रम था। मेरे सारे भ्रम टूट चुके हैं, समझ गया हूं मैं कि तुम तराना हो। तुम्हारे सर पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत हो। जानता हूं कि तुम्हारी बिरादरी में शर्म और हया को इतना तवज्जो नहीं दिया जाता, पर हम लोगों के बीच रहकर तुमने एक शब्द सुना होगा, आत्मसम्मान। कम से कम उसे बचाने के लिए यहां से चली जाओ। आज तुम्हारी वजह से पहली बार मैंने पड़ोस वाली ताई जी के हाथ का साग नहीं खाया। पता है क्यों? क्योंकि तुमने उसे छुआ था। इससे पहले कि तुम्हारे छूने से मुझे इस घर की हर चीज पे घिन आने लगे और मैं इस घर को तहस नहस कर दूं, चल जाओ यहां से। जी जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन बड़े बुजुर्ग कहकर गए ना कि एक बीवी का ससुराल उसका घर सिर्फ तब तक होता है जब तक उसका पति उसके साथ होता है। लेकिन देखिए ना, आज तो हरमन ने भी सौम्या के सर की कसम खा ली और अपनी नफरत का इजहार भी कर दिया।
अब इसका यहाँ पर कोई काम नहीं। बेचारे, अब तो तुझे समझ में आ ही गया होगा ना कि तेरा अब इस घर में कुछ नहीं बचा। इसलिए ना मेरी माँ ने तो इस घर को छोड़ के चली जा, हमेशा हमेशा के लिए। एक कसम वो थी जो हरमन जी ने मेरे साथ 7 जन्मों तक रहने की खाई थी, और आज एक कसम ये है। इस कसम पर विश्वास कर, मैंने और हरमन जी ने अपने प्यार के लिए 7 जन्मों के लिए कसम खाई है। 7 वचन दिए हैं, वो कसम तोड़कर मैं कैसे उन्हें छोड़कर चली जाऊं? से गाढ़ा होता है, हालात अगर ऐसे हो जाएं, बीवी बदली जा सकती है, बेटा नहीं। लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले, जो मैं पहले भी कह चुका है कि मेरे खानदान की अनक पे अगर आया तो मैं किसी को नहीं बख्शांगा, वो कोई भी हो। जे तूने वो रोल अदा करने की कोशिश की, मैं डिवोर्स पेपर साइन करने बिल्कुल नहीं अच्छे चाहूंगा। तेनू जो समझना समझ ला, मैं बुरा आदमी समझना है, ताने मारने हैं, जो करना जो समझना समझ ला। तो अच्छी तरह जाननी है रख सिंह चीज की है। भगवान, ये छूट कैसी, बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते अपना। मेरे कमरे से बाहर। बस कीजिए ना, कितना गुस्सा। और देखिए ना, नया दिन है, नई सुबह है, नई शुरुआत करते हैं जी, सब छोड़ दीजिए। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे कमरे से बाहर अभी और इसी वक्त निकलो। आप भी ना जी, बहुत जिद्दी है। देखिए ना, आपकी गुलाबो आपको गुड मॉर्निंग कह रही है, अब भी आप गुस्सा करेंगे। छोड़ दीजिए ना प्लीज। क्या कर रहे हैं? अरमन कितने गए? पाव जी, अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, पर आप तो ऐसे बात करो जैसे अरमन नू जानते ही नहीं हो। घोड़े बीच के सो रहा होगा अभी अपने कमरे में। जाके जगाओ उसको, कोई जाके लस्सी वस्सी पिलाओ, नाश्ता कराओ। आप क्यों फिक्र कर रहे हो भाई साहब, सौम्या है ना उसके कमरे में, वो दे देगी उसे नाश्ता। जी, आप ये नाकाम कोशिशें करना बंद करो।
उनकी खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से, अर्थात वो औरत नहीं किन्नर है। एक भंवरा अगर कागज के फूल पे 100 साल भी लग गया रहे ना, मादनी निकलेगा। वो पत्नी रह जा सकती है अपनी अदाओं से, अपने प्यार से, जो तेरी ये किन्नर नहीं कर सकती। पागल हो गया क्या? पागल तो मैं पहले था प्रीतो, अब मुझे होश आया है। आज पूरी दुनिया के सामने मैं इसकी सच्चाई बता दूंगा और फिर सब लोग इसके साथ वही करेंगे जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सही कह रहा है तू, बिल्कुल सही कह रहा है। इसका सच दुनिया वालों को पता चल ही जानी चाहिए। मैं भी यही चाहती हूँ।